जी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपीनी 24x7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। फूलपुर विद्युत विभाग ने आज संविदा के कार्यकर्ता हुए नाराज। फूलपुर विद्युत विभाग कार्यालय के ठीक सामने खड़े होकर की जमकर नारेबाजी। कहा कि अगर हम लोगों को आज वेतन नहीं मिला तो आज रात्रि 12 बजे से हम लोग करेंगे हड़ताल। जहां फूलपुर विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता फूलपुर को कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। कहा कि सितंबर माह से वेतन हम संविदा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। वेतन तो कल दिनांक 30/2021 फूलपुर विद्युत विभाग से जितने लोग लोकल कर्मचारी के कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे हड़ताल। अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं अधिकारियों के चलते हम लोकल कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता है और यही अधिकारियों द्वारा प्रेरित किया गया है कि और अगर लोकल कर्मचारी जिसका वेतन हम सभी लोगों से ज्यादा उन लोगों को वेतन दिया जाता है, फिर उन लोगों को दूसरी जगह नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि हम लोगों को अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों को दूसरी जगह भेजा जाएगा। इसी बात को लेकर विद्युत विभाग के कार्यकर्ता काफी आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। आज देखिए श्यामलाल मौर्य की खास रिपोर्ट। सही टाइम पे नहीं देती है जी। आपके आदमी से जितने रिटायरमेंट आए, फर्स्ट ड्यूटी में काम कर रहे हो जी, जी। उनको 25,000 सैलरी दे दी जा रही है। समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। एक मतलब इसी विभाग में दो तरह के हो रहा है, और जो कम वेतन कम दिया जा रहा है वेतन, उसके बाद भी समय समय पर नहीं दिया जा रहा है जी जी। 5 डिवीजनों में अब तक जो है वो नहीं कर पाएगी। दो बलिया है और एक हमारा है और दो बस्ती साइड में है। अभी बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ऐसा कि उन्होंने बोला है। कहा तो वो कई दिनों से रहे हैं, लेकिन आज की जो बात बोले हैं, मुझे विश्वास है कि 2 घंटे में हो जाएगा। और बाकी संविदा कर्मियों से यही कहना है कि आप लोग काम करिए, ओटीएस का समय चल रहा है। अभी हम लोग लगे हुए हैं कि इस वेतन के साथ जो है आने वाले अक्टूबर का, सितम्बर का, वो सब भी भुगतान हो जाए। है अच्छा, जिसके वहाँ जाओ, एक ही उनका नारा है कि उससे कहो, वो कह रहे हैं उनसे कहो। अच्छा, और कमी इसमें दोनों की है। अच्छा, किसकी कमी है, नाम बताइए। इसमें जे एडीओ की भी कमी है। अच्छा, प्लस हमारे कंपनी वालों की भी कमी है। अच्छा, क्योंकि अगर ये दबाव डालते हम लोग को काम करने से मना करते जी, तो आज शायद ये हमारे ऊपर नहीं आती। अच्छा, हम तो काम कर रहे हैं, काम तो इनका चल रहा है जी, इसलिए तो वेतन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात है, वेतन मांगने पे यह हो रहा है कि आपको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। अच्छा, तो जिनकी ज्यादा तनख्वाह हो तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, और हम लोग 8-7 हजार यहाँ से जाके 20 किलो 25 किलो 30 किलोमीटर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका आरोप ये है कि मतलब जिन लोगों का ज्यादा वेतन मिल रहा है उन लोगों को यहाँ स्थायी रखा जाएगा, और जिन लोगों की कम वेतन है उसको ट्रांसफर करके दूसरे यहाँ मतलब शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो और बताइए, क्या खुलकर बताइए पूरा एकदम। हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ पर खड़े हैं, जब तक ये वेतन नहीं देंगे हम लोग काम नहीं करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।